प्रधानमंत्री हैं, इनकी बात में वजन होना चाहिए। अगर मंच पे खड़े होकर इन्होंने आपको कहा था कि सारा काला धन वापस लाएंगे, आपके खातों में 15 लाख रुपए डालेंगे, तो आना चाहिए था। अगर आपको कहा था कि 2 करोड़ रोजगार बना के देंगे, तो वो बनाने चाहिए थे। अगर आपको कहा था कि आपकी अधिकारों की रक्षा करेंगे, तो आज उनका एक एक नेता संविधान को बदलने की बात क्यों कर रहा है? किसने हिम्मत दी, किसने इजाजत दी? मोदी जी ने दी। मोदी जी उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के रोड शो करते हैं, भाषण देते हैं मंचों पे, और फिर कहते हैं कि संविधान को बदलेंगे नहीं। किसने इजाजत दी उनके हर प्रत्याशी को इस बात को कहने के लिए? हर बार उन्होंने यही करके दिखाया है। उन्होंने इस देश में एक ऐसी राजनीति स्थापित की है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए चलती है। ये पहली बार इस देश में हुआ है। इस देश की राजनीति सेवा पर आधारित रही है। इस देश की राजनीति का एक एक महापुरुष इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन आज आपका कोई आदर नहीं है। आप एक सरकार चुनते हैं, वोट देकर सरकार बनाते हैं। महाराष्ट्र में आपने अपनी सरकार बनाई, क्या किया मोदी जी ने? आदर किया कि जनता ने बोला है हमें भाजपा की सरकार नहीं चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे। क्या आदर किया? आदर नहीं किया। पैसे खिला खिला कर, केस डाल डाल कर, दबाव डाल डाल कर विधायकों को खरीदा और अपनी सरकार घूस देकर खुलेआम सबकी आंखों के सामने अपनी सरकार बना दी। लोकतंत्र के विपरीत ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? और ये देश की मीडिया क्या कहती है? वाह वाह, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वाह वाह, ये तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। हाँ, मुझे खुशी है कि सिर्फ मोदी जी करें ऐसी चीजें, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर आपने लोकतंत्र के तहत अपना वोट डालकर एक सरकार को चुना है, तो घूस देके 100-100 करोड़ रुपए देके विधायकों को हम उस सरकार को कभी नहीं गिराएंगे। करने दीजिए मोदी जी को, लेकिन सबक सिखाइए। बहुत हो गया है। इस देश की सारी संपत्ति इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दी। देश का कोयला, देश की सड़कों का ठेका, देश की बिजली, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, ये किसके थे? मोदी जी के थे। जेब से निकाले थे उन्होंने, इस देश की जनता ने अपनी मेहनत से बनाए, खून पसीना बहाकर बनाया। जितने नेता रहे इनसे पहले, ये जो 70 साल का रट रखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सब तो बना 70 सालों में, जो तुम बेच रहे हो, नहीं तो बेचते कैसे? मैं गिना सकती हूं आपको, IIT, IIM, ISRO, DRDO, भाखरा नंगल डैम, आप नाम लीजिए कांग्रेस ने बनाया, आप नाम लीजिए आपकी मेहनत से बना। और सारा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपने खरबपति मित्रों को दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि मैं जानती हूं कि जब आपको बेटी की शादी करानी है या बच्चों की शिक्षा करनी है, आप कर्ज लेते हो और आपका कर्ज माफ नहीं होता। आपको मालूम है कि इनके राज में बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनके जो पहले से ही खरबपति हैं। बोलू, कर्ज माफ हो रहे हैं बड़े बड़े खरबपतियों के।
मैं जब यूपी में काम कर रही थी वहां किसानों का गन्ना का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए थे। मैं हर मंच पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मोदी जी, योगी जी, इनका भुगतान करो, गन्ना किसान का है, का पैसा है, उसको लौटाओ। मालूम है मोदी जी ने क्या किया? क्या किया? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, लेकिन गन्ने के किसान को 15,000 करोड़ देने के लिए उन्होंने कहा पैसे नहीं है इस देश में। हम कर्ज माफी की बात करते हैं, कांग्रेस ने बार बार किसानों का कर्ज माफ किया। हम करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, पैसे नहीं है। क्यों भाई? आपके जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं, आपके बड़े बड़े दोस्तों को देने के लिए पैसे हैं, वो बड़ी बड़ी शादियां करें, लेकिन किसान अपनी बेटी की शादी जब करता है तो कर्ज लेता है और फिर कर्ज चुका नहीं पाता, आत्महत्या करता है। मैं ऐसे किसानों के घर में गई हूं जो खाद की कतार में खड़े खड़े गिरकर मर गए, क्योंकि घर जाने की हिम्मत नहीं थी, कहीं कतार छोड़ दूं तो मुझे खाद नहीं मिलेगी। मैं ऐसे किसानों के परिवारों से मिली हूं जिन्होंने 50,000 रुपए के लिए, 1,00,000 रुपए के कर्ज के लिए आत्महत्या कर डाली। बच्चियां रो रही हैं, आगे सब कुछ अंधकार में है, और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये मोदी जी गरीबों के मसीहा, कुछ नहीं किया इन्होंने, ये तो खरबपतियों के मसीहा हैं। इस देश में कभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए, कभी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, जो एक भी बार, एक भी दिन आपके घरों में नहीं आए, आपके गांव में नहीं आए, आपकी खेती में नहीं आए। इनको बहुत हिम्मत दे दी है आपने, बहुत समर्थन दे दिया है, अब सच्चाई भी देख लो इनकी। ये जो टीवी पे आपको दिखता है ये सच्चाई नहीं।